अल्लाहिम्मा शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा फार्मास्यूटिक्स 2 इंडस्ट्रियल एंड क्वालिटी कंट्रोल, पेज नंबर हमारा 20 है बेटा। ये आज हमने पढ़ना है एडेड सब्सटेंसेस। ये हमारे फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट सेकंड के लेक्चर चल रहे हैं बेटा। एडेड सब्सटेंसेस क्या होते हैं? जो अद्वियाती अज्जा के अलावा इजाफी तौर पर किसी भी दवा में या किसी भी फार्मूले में शामिल की जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? एडेड सब्सटेंसेस। इनको एडिटिव्स या एक्सीपिएंट्स भी कहते हैं। तो इनके बारे में आप फर्स्ट ईयर में भी डिटेल से पढ़ के आए थे, तो सेकंड ईयर में भी है, तो पढ़ते हैं बाकायदा। आगाज़ करते हैं बेटा इसका। टू प्रोड्यूस अ ड्रग सब्सटेंसेस, कोई भी अद्वियाती अज्जा बनाने के लिए इन द फाइनल डोजेज, उसकी एक आखिरी शक्ल देने के लिए आखिरी शक्ल देने के लिए रिक्वायर्स फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए कुछ अद्वियाती अज्जा ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन द प्रिपरेशन ऑफ सोलूशन, महलूल जब तैयार करते हो, वन आर मोर सॉल्वेंट आर यूज, एक या एक से ज़्यादा सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है टू डिज़ोल्व द ड्रग सब्सटेंसेस, ड्रग सब्सटेंसेस को हल करने के लिए, फ्लेवर्स जायके वाले अज्जा को हल करने के लिए, एंड स्वीटनर्स और मीठा जो है चीनी वगैरह उसको हल करने के लिए, एक या एक से ज़्यादा सॉलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आर यूज टू मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव, इस्तेमाल किए जाते हैं एक या एक से ज़्यादा सॉलेंट ताकि प्रोडक्ट को ज़्यादा दिलकश बनाया जा सके एंड एक्सेप्टेबल और काबिल कबूल बनाया जा सके। प्रिजर्वेटिव में भी एडेड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल ग्रोथ, इसमें प्रिजर्वेटिव ऐड किए जाते हैं ताकि बैक्टीरिया इसमें नशोनुमा ना पा सकें, एंड स्टेबलाइज़र और ताकतवर एजेंट डाले जाते हैं सच एज एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन से बचाने वाले हों, एंड चिलेटिंग एजेंट और जो चिलेशन से बचाने वाले हों। बेटा कुछ अद्वियात ऑक्सीजन की मौजूदगी में ख़राब हो जाती हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और उस ऑक्सीडेशन से बचाने वाले अज्जा क्या कहलाएँगे? एंटीऑक्सीडेंट्स। क्या कहलाएँगे? और फिर कुछ होते हैं लोथड़ा बना देते हैं, कुछ अज्जा ऐसे होते हैं जो लोथड़ा बना देंगे दवाई में, अगर लोथड़ा बन गया तो वो चिलेटिंग एजेंट होते हैं, चिलेशन होता है तो उसको बचाने वाले चिलेटिंग एजेंट होते हैं। बेटा मे बी यूज टू प्रिवेंट डीकम्पोजिशन, ये इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि ख़राब होने से डीकम्पोजिशन से बचाया जा सके। लुब्रिकेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं टू असिस्ट स्मूथ टैबलेट फॉर्मेशन, ताकि जो टैबलेट है आपकी वो बिल्कुल स्मूथ बने। ठीक है, जैसे आप रोटियां बनाते वक्त बेलन पे खुश्क आटा लगाते हो ताकि रोटी चिपके ना, लुब्रिकेंट का मतलब यही होता है कि दवा जो है सांचे में चिपके ना और वो बाहर आ जाए सांचे से, टू स्मूथ असिस्ट ऑफ टेबलेट फॉर्मेशन, ताकि जो गोली जो बनेगी वो स्मूथ बने। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट डाले जाते हैं टू प्रमोट टैबलेट ब्रेकअप आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि जब आप दवा खा लेते हो तो पेट में जाके टूट सके, ये ना हो कि आप दवा खा लो और अंदर जाके टूटे ही ना और इंज दी इंज बाहर आ जाए, तो ये नहीं है। तो इस टूटने के लिए क्या डाले जाते हैं? डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट एंड कोटिंग्स, और ऊपर कोटिंग की जाती है टू इंप्रूव स्टेबिलिटी, ताकि दवा की ताकत बरकरार रहे, कंट्रोल डिसइंटीग्रेशन और इसके टूटने को भी कंट्रोल किया जा सके, और इन्हांस अपेयरेंस और इसकी जो ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसमें भी इजाफा किया जा सके। ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स एंड सपोजिटरीज एक्वायर देयर करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ऑइंटमेंट और क्रीम में स्पोजिटरीज वगैरह होगी, ये अपनी खसूसियात को बरकरार रखें, फ्राम देयर फार्मास्यूटिकल बेसिस, अपने जो इसके अंदर जो चीज़ें जिसमें ये मिक्सअप की जाती है उसको बेस कहेंगे बेटा, तो फार्मास्यूटिकल बेसिस में ये अपनी खसूसियात को बरकरार रख सकें। दस फॉर ईच डोजेज फार्म द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इस्टेब्लिश द प्राइमरी फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट, तो हर एक डोजेज फार्म में जो इसके अंदर फार्मास्यूटिकल अज्जा होते हैं ये इसके प्राइमरी फीचर्स को कायम रखते हैं ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के, एंड कंट्रीब्यूट और हिस्सा डालते हैं टू द फिज़िकल फॉर्म, इसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत में, टेक्सचर, इसके टेक्सचर में, स्टेबिलिटी, इसकी ताकत में, टेस्ट, जायके में, एंड ओवरऑल अपेयरेंस और ओवरऑल जो इसकी ज़ाहरी शक्ल सूरत है उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। तो बेटा ये थी सारी चीज़ें, लफ्जी तर्जमा बा मुहावरा करते हैं बेटा। तो एडेड सब्सटेंसेस क्या थे? प्रिजर्वेटिव थे, एंटी ऑक्सीडेंट, सोलोबराइजर्स, सस्पेंडिंग एजेंट्स, बफर्स और स्टेबलाइजर्स, ये सारे के सारे थे बेटा। इसके अंदर ये किस किस लिए यूज़ किए जाते हैं उसने बताया है, प्रिजर्वेटिव हिफाजती होते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट
ऑक्सीडेशन से बचाते हैं, सोलोबिलाइजर्स हल करवाते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट सस्पेंड करवाते हैं, बफर ताकत देते हैं और स्टेबलाइजर्स भी ताकत देते हैं। बफर जो है वो पीएच में तब्दीली होने नहीं देते। तो ये सारे के सारे क्या थे, आपके एडेड सब्सटेंसेस थे। तो अभी ये जो है बारी बारी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला कौन सा था, प्रिजर्वेटिव। तो इसका क्या आ जाएगा, प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्या होता है, हिफाजती जो चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक हो गया बेटा। अब प्रिजर्वेटिव इज नेचुरली अकरिंग आर सिंथेटिकली प्रोड्यूस सब्सटेंसेस। प्रिजर्वेटिव जो है ये कुदरती तौर पर पाया जाता है या मसनूई सिंथेटिक भी है। सब्सटेंसेस होते हैं दैट इज एडेड टू प्रोडक्ट, जो कि प्रोडक्ट में शामिल किए जाते हैं, सच एज फार्मास्यूटिकल्स, जैसे अद्वियाती प्रोडक्ट होगी, फूड्स, खाने हो गए, पेंट्स, रंग हो गए, बायोलॉजिकल सैंपल्स या बायोलॉजी के सैंपल हो गए, वुड या लकड़ियाँ वगैरह हो गई, इस तरह के इसमें प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ETC वगैरह वगैरह, टू प्रिवेंट आर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो के रोकते हैं। इनहिबिट का मतलब रोकना, प्रिवेंट का मतलब बचाना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उनसे बचाते हैं। तो ये जो बेटा प्रिजर्वेटिव होते हैं ये बचाते हैं, अवॉइड करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेड ना हो जाए, या मेडिसिनल प्रोडक्ट, जो भी मेडिसिनल प्रोडक्ट है वो भी डिग्रेड ना हो जाए, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, या इसमें कोई इन्फेक्शन का ख़तरा ना शामिल हो जाए, और अनडिज़ायरेबल केमिकल चेंजेस, या इसमें कोई नाखुशगवार कोई कीमियाई तब्दीलियाँ ना हो जाएं। तो ये प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं, ये कोई भी ऐसा काम नहीं होने देते जो दवा के लिए या मरीज़ के लिए खतरनाक साबित हो। कॉमन प्रिजर्वेटिव यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। कुछ कॉमन प्रिजर्वेटिव जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, अद्वियाती प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होंगे वो कौन कौन से हैं, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोएट है, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है, ब्यूटाइल पैराबीन है, मिथाइल पैराबीन और क्लोरोब्यूटानोल। ये सारे बेटा क्या हैं, आपके प्रिजर्वेटिव हैं। ये बहुत कम मिकदार में डाले जाते हैं, अगर 100 कतरे दवा के हैं तो एक कतरा बेंजोइक एसिड का होगा, एक या दो कतरा, यानी कि 0.1% से 0.2% मतलब डाले जाते हैं, ये बहुत कम मिकदार में, और लेकिन ये इन सब चीज़ों से बचाते हैं। फिर आ जाएंगे आपका बेटा एंटी ऑक्सीडेंट्स। मैंने बताया जैसा कि कोई ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन जैसे ही दवा के साथ रिएक्ट करती है तो ऑक्सीडेशन का अमल होता है, जिससे दवा ख़राब हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो ऑक्सीडेशन से बचाएंगी वो क्या कहलाएंगी, एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्या कहलाएंगी, तो सॉरी बेटा हमें स्टॉप करना पड़ा था थोड़ा सा। तो एंटी ऑक्सीडेंट्स क्या हैं, ऑक्सीडेशन से बचाने वाले। हम इस तरह करो ना, 5 मिनट। ऑक्सीडेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है दैट ट्रांसफर्स इलेक्ट्रॉन फ्राम वन सब्सटेंसेस टू अनदर, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है बेटा एक जुज से दूसरे में, एंड कैन प्रोड्यूस फ्री रेडिकल, और इससे क्या बन जाते हैं, फ्री रेडिकल बन जाते हैं। फ्री रेडिकल 9th में आप पढ़ के आए होंगे, फ्री रेडिकल को एक डॉट से ज़ाहिर करते हैं, किसी भी जैसे क्लोरीन है उसके ऊपर एक डॉट लगा होगा राइट साइड पे, तो वो क्या होगा, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल ऐसा होता है बेटा, वो उसने किसी भी चीज़ के साथ मिलकर रिएक्शन कर ही देना है। तो फ्री रेडिकल्स कैन इंटर द बॉडी, फ्री रेडिकल बॉडी में इंटर होते हैं फ्राम अ नंबर ऑफ इन्वायरमेंटल सोर्सेज, बहुत सारे जो है माहौलियाती ज़राए से दाखिल हो जाते हैं बॉडी में, इंक्लूडिंग सिगरेट, जिसमें सिगरेट भी शामिल है, सिगरेट स्मोक, सिगरेट का धुआं, टॉक्सिन जहर शामिल हैं, सनलाइट सूरज की रोशनी शामिल है, एंड पेस्टिसाइड और स्प्रे शामिल हैं, एंड कैन डैमेज बॉडी सेल्स, और ये बॉडी के सेल को डैमेज कर देते हैं, आर काज सेल डेथ, या इससे सेल की मौत वाकई हो जाती है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक फ्री रेडिकल्स सेल डैमेज में लीड टू कैंसर। तो जो फ्री रेडिकल से सेल डैमेज होते हैं वो कैंसर का बायस बनते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन इतना ख़तरनाक अमल है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए लाजमी तौर पर क्या डाले जाते हैं अद्वियात में, एंटी ऑक्सीडेंट्स। क्या डाले जाते हैं, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो जाए। एंटी ऑक्सीडेंट्स आर यूज टू रिड्यूस द ऑक्सीडेशन ऑफ एक्टिव सब्सटेंसेस। तो यही एंटी ऑक्सीडेंट जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इन एक्टिव सब्सटेंसेस की ऑक्सीडेशन को रोका जा सके, एंड एक्सीपिएंट्स इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, और एक्सीपिएंट्स के तौर पर फिनिश प्रोडक्ट में इन एंटी ऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। एक्सीपिएंट्स एडिटिव्स, वही बेटा जो इजाफी तौर पर अद्वियात में अद्वियाती जूस के अलावा जो चीज़ें डाली जाती हैं वो क्या हैं, एक्सीपिएंट्स। कॉमनली एंटी ऑक्सीडेंट्स आर इंक्लूडिंग इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू इन्हांस द स्टेबिलिटी ऑफ थेराप्यूटिक एजेंट। कहता है जो कॉमनली एंटी ऑक्सीडेंट हैं जो अद्वियात में इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो आपके थेराप्यूटिक एजेंट हैं, अद्वियाती अज्जा हैं,
उनकी ताकत स्टेबिलिटी में इजाफा किया जा सके। वो कौन कौन से हैं? कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स यूज इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में एस्कॉर्बिक एसिड, सोडियम एस्कॉर्बेट और सोडियम बाईसल्फाइड, ये क्या हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स। फिर आ जाएंगे सोलोबिलाइजर्स, हल करवाने वाली अशिया, ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कोई चीज़ हल हो, क्या कहलाते हैं? सोलोबिलाइजर्स। द एक्सीपिएंट्स यूज्ड टू सोलोबिलाइज ड्रग्स इन ओरल एंड इंजेक्टेबल डोजेज फॉर्म आर कॉल्ड सोलोबिलाइजर्स। कहता वो एक्सीपिएंट्स या वो इजाफी तौर पर शामिल होने वाले अज्जा जो किसी भी मुंह के ज़रिए इस्तेमाल करवाने वाली अद्वियात या इंजेक्शंस में किसी चीज़ को हल करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सोलोबिलाइजर्स। क्या कहलाते हैं? सोलोबिलाइजर्स आर मोस्ट इज यूज्ड टू इम्प्रूव द सोलोबिलाइजेशन ऑफ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस। कहता सोलोबिलाइजर इसका इस्तेमाल किया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस में जो हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक जो पानी से डरते हों, पानी में हल ना होते हों, एंड टू इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी, और ताकि इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है इंसानों के लिए जो इसकी यानी कि मौजूदगी है उसको बढ़ाया जा सके, इसलिए इनको सोलोबिलाइजर को ऐड किया जाता है। दे आर आल्सो यूज टू स्टेबिलाइज सस्पेंशंस एंड प्रिपेयर कोलाइड्स एंड जेल्स। ये आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं सस्पेंशन को हल करवाने के लिए और कोलाइड्स एंड जेल्स को तैयार करने के लिए सोलोबिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट और इमल्सिफाइंग एजेंट आप पढ़ के आए हैं, तो ये क्या होते हैं? सोलोबिलाइजर्स। दे आर मैनी सोलोबिलाइज ओरल फार्मूलेशन सच एज ओरल सोलूशन, सीरप, एलेक्जायर एंड सोलूशन। तो कहता है जो ओरल सोलूशन है उनके लिए जो मुख्तलिफ किस्म के सोलोबिलाइजर्स हैं। कामन सोलोबिलाइजर यूज़ इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो कामन सोलोबिलाइजर इस्तेमाल होते हैं वो कौन से हैं? अल्कोहल हो गई, शराब, कॉर्न ऑयल, मकई का तेल बेटा, ठीक है, और ग्लाइसरीन, मिनरल ऑयल, प्यूरीफाइड वाटर, वाटर फॉर इंजेक्शन, स्टीराइल वाटर फॉर इंजेक्शन, ये सारे के सारे क्या हैं? सोलोबिलाइजर हैं बेटा। तो ये थे हमारे आज के सोलोबिलाइजर एडिटिव एक्सीपिएंट्स में, ये टोटल 6 थे बेटा, हमने 3 इस लेक्चर में पढ़ लिए हैं और 3 जो बाकी के हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलेंगे हम अगले लेक्चर में इसी के पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज़।